हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? एक बार मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूँ जिसका बच्चों को बहुत इंतजार था, बहुत कमेंट करते रहते थे। तो भाई, ये जो वैकेंसी लिख ली है इंडियन आर्मी में लिख ली है, तो मैं आपको सारी बताऊँगा किस पोस्ट की लिख ली है, किस स्थान पर लिख ली है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या उम्र एज लिमिट रखी गई है, ठीक है ना। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सबसे पहले लाल कलर का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। उससे क्या होगा, ताकि आगे जितनी मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा वो सारी आपको मिलती रहेंगी और टाइम टू टाइम आप उसका फॉर्म डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बिना कुछ देरी करता हूँ मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो वैकेंसी लिख ली है इंडियन आर्मी में, लिख ली है कैंटीन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2021। कितनी पोस्ट? 308 पोस्ट। तो मैं चलिए आपको इसके बारे में सारी चीज़ बताता हूँ। एक बात और है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये कहाँ पर लिख ले। आप ऑफिस कहीं भी अगर आपको वैकेंसी चेक करनी है, या तो मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, अन्नी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है ना। बाकी कमेंट मत करना कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये भाई 308 वैकेंसी लिख ली है। पोस्ट नेम कैंटीन अटेंडेंट, फायरमैन, MTS और कुकमैन। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल में से कोई भर सकता है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी लग सकती है, क्योंकि भाई सेंट्रल की जॉब आर्मी कहीं भी लग सकती है। एग्ज़ाम लेवल 10th लेवल बेस्ड ऑन पेपर आएगा। पेपर 2 आपका लैंग्वेज का होगा, तो हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा। सैलरी आप ये देख ही सकते हो, लमसम मैं आपको सैलरी बताऊँ जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। करीब करीब आपकी 42,000 प्लस सैलरी होगी। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल और फाइनल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल वालों की 0, रिजर्व कैटेगरी की भी 0 ही है। एज लिमिट बता दूँ मैं आपको, एज लिमिट 17 से 25 है। बाकी एज रिलैक्सेशन है सबको, इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो GD वाली में नहीं मिलता आर्मी की एज रिलैक्सेशन। बाकी आर्मी के और सब MTS में, इनमें सब में एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। हाइट चाहिए 166 सेंटीमीटर, चेस्ट इतनी चाहिए 83 से 87, चिन अप मिनिमम 8, रेस 5 किलोमीटर इन 24 मिनट। कब से कब तक ये डेट है? 28/12/2021 लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो लास्ट डेट के भरोसे मत बैठना कि लास्ट में ही भरेंगे, क्योंकि लास्ट में बता दूँ आपको, लास्ट में साइट भी चल जाती है, भरा नहीं जाता। एक काम करना, अभी चले जाओ, जैसी वीडियो देख लोगे फॉर्म भरने, उससे क्या होगा आपका टाइम फॉर्म पे भरा जाएगा बिना कुछ साइट बिजी हुए, ठीक है ना। बाकी यही बताना था, और इसमें आपका फ़ोटो चाहिए, बेसिक डिटेल चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट, साइन, ID प्रूफ चाहिए, मतलब आधार कार्ड। बाकी और भी कुछ इससे रिलेटेड आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या किसी भी जॉब रिलेटेड पूछना हो तो जब भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। बस इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली आपको सारी वीडियो अपडेट्स मिल जाएं।